विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान में सीएम की चेहरे की तलाश तेज हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए, जिनका काम राजस्थान में विधायक से रायशुमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना है। राजस्थान में आने वाले अगले 2 दिन भारी हलचल भरे हो सकते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में आलाकमान ये तय कर सकता है कि प्रदेश का नया सीएम कौन होगा, क्योंकि इस कवायद की पहली सीढ़ी पार कर ली गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बतौर ऑब्जर्वर राजस्थान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की नियुक्ति की गई है। इन सभी 3 पर्यवेक्षकों का काम विधायक दल की बैठक में शामिल होना और उनसे रायशुमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना होगा। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम पद की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नामों पर चर्चा हो रही थी। हालांकि खबर ऐसी भी थी कि बीजेपी आलाकमान नए चेहरों को मौका दे सकता है, हालांकि वो कौन हो सकता है ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि इस बीच खबर है कि प्रदेश में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में अब सवाल है कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कर चुके थे कि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी के नए प्लान के तहत 3 पर्यवेक्षक जयपुर जाएंगे, पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगे, विधायकों से पर्यवेक्षक रायशुमारी करेंगे, उसके बाद दिल्ली आकर रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सीएम के चेहरे पर आखिरी मुहर लगेगी। पिछले कई दिन से बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद जारी है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है, लेकिन जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले 2 दिन में ये साफ हो जाएगा कि सीएम की रेस में बाजी किसने मारी। राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। हालांकि सीएम फेस को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन पार्टी ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा है, जिसके पीछे की मुख्य वजह है कि निर्विवाद रूप से राजस्थान में विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी एक राय बनाए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये 3 दिग्गज नेता इस पेशकश में सफल साबित होते हैं या नहीं, और इंतजार इस बात का भी है कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, News 18 दिल्ली। राजस्थान में पूर्ण बहुमत आने के बाद भी अभी तक सीएम फेस को लेकर बीजेपी की ओर से कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी ने आज 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और इसके बाद ही विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में हैं। इस दौरान उन्होंने बैठक को लेकर और सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी और सीएम मजबूत व्यक्ति बने, इसीलिए मंथन जारी है। सीपी जोशी से बात की हमारे संवाददाता लखवीर सिंह ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी बातचीत के लिए मौजूद हैं। सीपी जोशी साहब, दिल्ली आए हैं, क्या मुख्य कारण? आज होने के कारण लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने आया हूं और शाम को फिर लौट जाएंगे। आज लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए दिल्ली आना हुआ। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कवायद तेज है, विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक की तिथि नियत हो जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मेरा आज आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेना। अध्यक्ष जी, अच्छे बहुमत के साथ मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जल्द सरकार का गठन भी हो जाएगा, कितने उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री किस प्रकार का आने वाला है, क्योंकि पिछली 5 साल में काफी आरोप लगाए विफलता के अशोक गहलोत सरकार पर? देखिए, राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। मैं राजस्थान की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ और राजस्थान की जनता की ओर से, गरीब भाइयों की ओर से, माताओं बहनों की ओर से, युवाओं, किसान, दलित, आदिवासी, हर वर्ग की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनकी आशाओं पर, उन्होंने उनके विश्वास पर उनको पूरा किया और यही विश्वास, अटूट विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति जो है
वही गारंटी राजस्थान में चली है और उसी पर राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई। उसके बाद आगामी कार्रवाई बैठक की तिथि तय होगी, फिर आगामी जो कार्रवाई होगी वो उसके बाद। ठीक है, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल्द पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक जब संचालित होगी तो जल्द मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा। हालांकि दिल्ली आने के पीछे की वजह थी कि लोकसभा में जो व्हिप जारी किया गया है इस बाबत वो दिल्ली आए हैं। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।